तो कल की 2898 एडी मूवी देखने के बाद क्या आप कल की के पार्ट टू के लिए एक्साइटेड हो? क्योंकि कल की का पार्ट टू आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी आने वाला है, पर आखिर ये सीक्वल आएगा कब, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हो सिनेमा विद अभी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग, इस वीडियो के अंदर कल की मूवी से रिलेटेड काफी सारे स्पॉइलर्स हो सकते हैं। तो कल की मूवी अपने एंड होते होते काफी सारे क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी छोड़ के जाते हैं अपने फैंस के अंदर। मूवी जिस नोट पे एंड होती है वो अपने सीक्वल के लिए काफी तगड़ा सेटअप बना के जाती है और ऑडियंस के बीच एक काफी अच्छी क्यूरियोसिटी भी छोड़ के जाती है कि भाई पार्ट टू में होगा क्या। जैसे मूवी के एंड में हमें देखने को मिला कि भैरवा ने कर्ण का विजय धनुष यूज किया है। अब भैरवा ये विजय धनुष कैसे यूज कर पाया, कर्ण और भैरवा के बीच में क्या कनेक्शन है, ये सभी चीजें अभी के लिए सिर्फ एक मिस्ट्री है जो कि पार्ट टू के अंदर अनवील होगी। साथ ही पार्ट वन के अंदर यास्किन और उसके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जो कि एक कंप्लीट मिस्ट्री है जो कि पूरी तरह से अनफोल्ड होगा पार्ट टू के अंदर। इन सब के अलावा यास्किन को मूवी के एंड में गांडीव भी मिल जाता है, तो पार्ट टू के अंदर इस गांडीव के साथ करेगा क्या। और यहाँ पे नागार्जुन की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने मूवी के सीक्वल के लिए जो सेटअप बनाया है, कुल मिला के आप इसे महाभारत का हाईलाइट समझ सकते हो, जहाँ यास्किन के पास अर्जुन का गांडीव है और भैरवा के पास कर्ण का विजय धनुष। तो ओवरऑल पार्ट टू में आप कर्ण और अर्जुन के बीच में एक रीमैच देख सकते हो, जहाँ एक्चुअली वो दोनों वॉरियर्स तो नहीं बट उनके वेपन्स आमने सामने आएंगे। और जब मैं कहता हूँ ना कि नागार्जुन की स्टोरी राइटिंग बहुत क्लेवर है, तो दिस इज व्हाट आई मीन। बंदे ने कैजुअली पार्ट टू के लिए इतना तगड़ा सेटअप बना दिया है कि भाई महाभारत जैसा एक रीमैच हमें पार्ट टू में देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, महाभारत के अंदर अर्जुन जो है वो धर्म की तरफ से लड़े थे और भाई जो कर्ण है वो दुर्योधन की तरफ से लड़े थे, लेकिन कल्कि के सीक्वल में इसका ठीक अपोजिट हमें देखने को मिलेगा, जहाँ भैरव यानी कि कर्ण कल्कि अवतार की तरफ से लड़ेगा, वहीं यास्किन अपने खुद के मोटिव के लिए लड़ेगा, यानी कि अर्जुन का गांडीव यास्किन की तरफ है। तो जहाँ द्वापर युग में गांडीव एक पॉजिटिव साइड में था, वहीं कलयुग में गांडीव नेगेटिव साइड में है। अब ये चीज कुछ लोगों को बुरी जरूर लग सकती है, बट इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखना चाहें तो हो सकता है मूवी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं मूवी अकॉर्डिंग, श्री कृष्ण यहाँ पे कर्ण को दूसरा मौका दे रहे हैं धर्म की तरफ से लड़ने के लिए, जैसा कि उन्होंने अश्वत्थामा को दिया था। महाभारत में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद श्री कृष्ण उन्हें एक मौका देते हैं धर्म की तरफ से लड़ने का, और वो उन्हें कहते हैं कि 6000 साल बाद जब मैं वापस पुनर्जन्म लूंगा, वापस अवतरित हूंगा, तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और वैसा ही कुछ मूवी के अंदर हमें कर्ण के साथ भी होता हुआ दिख सकता है, जहां श्री कृष्ण कर्ण को एक मौका दे रहे हैं धर्म की तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन आखिर ये सब हमें देखने को कब मिलेगा, कल्कि का सीक्वल आखिर आएगा कब तक। वैसे रिसेंट रिपोर्ट्स और न्यूज की माने तो कल्कि मूवी की 60% शूटिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और जो मेजर चंक्स बाकी है मूवी के वो शूट होने अभी बाकी है। ये कोई सॉलिड कॉन्क्रीट न्यूज नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स है जो कुछ मीडिया पोर्टल्स ने टैग की है। साथ ही रिसेंट के एक इंटरव्यू में मूवी के प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त ने ये रिवील किया कि कल्कि 2898 एडी मूवी का सीक्वल हमें अगले साल मिड जून या मई में देखने को मिल सकता है। अब वैसे है तो एक बहुत अच्छी न्यूज, पर मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा कि मूवी इतनी जल्दी रिलीज हो, पता है क्यों, क्योंकि अगर मूवी इतने कम स्पैन में रिलीज होगी ना तो वही हाल होगा जो पोन्नियिन सेल्वन 1 और पोन्नियिन सेल्वन 2 के साथ हुआ था, और मैं वैसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कल्कि जैसी मूवी इतने तगड़े इंटेंट से बनाई हुई मूवी के साथ ऐसा हो। मेरे साथ प्रोबेबली हर एक सिनेमा लवर यही चाहेंगे कि मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में एक प्रॉपर गैप हो और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी को 2026 में रिलीज किया जाए। और वैसे देखा जाए तो अभी के लिए सिर्फ स्टेटमेंट है कि वो लोग मई या जून के महीने में अगले साल मूवी रिलीज करेंगे। इसमें 70-80% चांसेस ऐसे हैं कि मूवी अपनी डेट से शिफ्ट हो जाएगी और प्रोबेबली 2025 के एंड तक जा पहुंचेगी, क्योंकि विजयंती मूवी का काम कैसा है वो हम लोगों ने कल्कि के प्रमोशनल पीरियड में देख ही लिया है, देखा ना तुम सबने। लेकिन इसके अलावा एक और अगर मैं रेफरेंस देना चाहूँ तो जब बाहुबली पार्ट 1 आई थी तो मूवी के डायरेक्टर और मेकर्स ने डिसाइड किया था कि पार्ट 1 के रिलीज के 3 महीने बाद वो पार्ट 2 रिलीज कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में उन्होंने 3 महीने का प्लान को 6 महीने में शिफ्ट किया और 6 महीने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो 1 साल के गैप के बाद रिलीज कर देंगे, बट फिर उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा और टाइम देते हैं पोस्ट प्रोडक्शन को ताकि चीजें और रिफाइन हो जाए, और मूवी को 2 साल बाद 2017 में रिलीज किया, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और वैसा ही कुछ मैं विजयंती मूवी से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपने भली अभी मई जून की स्टेटमेंट दे दी अगले साल की, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मूवी इतनी जल्दी रिलीज करो। आप अपना टाइम लो, पोस्ट प्रोडक्शन टीम को अच्छा खासा टाइम लो ताकि आपके शॉट्स को और अच्छे से रिफाइन कर पाए, थोड़ा और टाइम लो और मूवी को आराम से 2026 के स्टार्ट या 2026 के एंड तक ड्रॉप करो, कोई जल्दी नहीं है। अगर मूवी 2026 में आएगी तो ज्यादा बेहतर होगा मूवी मेकर्स के लिए, क्योंकि तब तक लोग ओटीटी में भी काफी ज्यादा लोग मूवी को देख चुके होंगे, साथ ही टीवी पर भी कई बार प्रीमियर हो चुकी होगी मूवी, जो कि कहीं ना कहीं कल्कि के सीक्वल के लिए हाइप बनाएगी और नई ऑडियंस गैदर करेगी, जो कि पार्ट 2 में आपके कलेक्शंस और भी ज्यादा इंप्रूव करेगी। खैर कलेक्शंस की बात ना ही करूं, कल्कि 2898 एडी का बहुत कम प्रमोशन हुआ था, बंदा अकेले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ढो रहा है, प्रभास की बात कर रहा हूं भाई, बंदे ने बॉक्स ऑफिस
कलेक्शन का ठेका ले गया है मूवी का। खैर अगर आप कल की मूवी के बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना, मैं जरूर बनाना चाहूंगा वो वीडियो। और इसके अलावा काफी सारी थ्योरीज और काफी सारी डिटेल्स है इस मूवी से रिलेटेड मेरे दिमाग में, तो उन सबको कवर करेंगे धीरे धीरे करके अपनी आगे आने वाली वीडियोज में। तो उनको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।